कैसा लग रहा हूँ बता दे मैं इसके मुंडा का गाइस भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम बड़ा काम हो गया हमारे साथ तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ओ माय गॉड बंदर नाचता दिखाऊंगा गाइस आपने नंबर चेक करो भाई इनके DHE 1921 रे फिर भी ता नचाने आड़ा मैं चोरारी आड़े आड़ा हेलो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड वेलकम बैक टू द चैनल सो गाइस भाई आज तारीख होगी 23 और 22-23 होगी भाई 22 या 23 आज तो भाई इतनी ठंड हो रही है ना सुबह सुबह हवा चल रही है भाई और ना धुंध सी आ रखी है जैसे ना फोग नहीं हो जाता हवा की हवा से ना जैसे वो धुआं सा है ना वो उड़ रहा है ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ गिरी है कहीं से इतनी जोर की ठंडी हवा चल रही है भाई मैंने तो 2-3 कपड़े पहन लिए ऊपर तक देखते हैं भाई ठंड तो लगेगी ऊपर भी तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं भोले बाबा जी का नाम लेके हर हर महादेव एक दो काम निपटा जाता हूँ भाई फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में आप इतने रास्ते को एंजॉय करो अगर हो पाया तो वरना भाई हाथ सुन होने वाले हैं इतनी जोर की ठंडी हवा चल रही है गाइज भाई उस टाइम मैं घर पे आ गया था और भाई अब टाइम हो गया लगभग 4:30 बज गए और ना एडिटिंग वेडिटिंग के जितने भी काम थे सारे निपटा दिए भाई अब तक के तो उसमें काम चला गया मतलब टाइम चला गया काम तो क्या चला गया काम हो गया और टाइम चला गया भाई और अब शाम के 4:30 बज रहे हैं तो अब मुझे याद आया कि व्लॉग भी तो बनाना था अच्छा तो भाई सोनू से बात हुई थी उसके साथ और अमित के साथ प्लान तो बन रहा है भाई जिंदल टावर पे जाने का आज मन तो कर रहा है बाकी देखते हैं भाई एक्सप्लोर हो पाया जा पाया एग्जीक्यूट हो पाया प्लान तो जलेंगे वरना भाई यहीं पे ही है देख लेते हैं जैसे भी जो भी होगा तो अभी इवनिंग हो चुकी है भाई मैं ऐसे देख के तुम्हें टाइम बता रहा हूँ 4:30 बज चुके हैं तो इधर कुछ है नहीं वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ भाई 4:30 बज चुके हैं तो चलेंगे भाई अगर हो पाया तो उससे 5 बजे सिक्का नाम लिया था सोनू ने तो जैसे भी होगा तो चल पड़ेंगे वरना यहीं पे ही है भाई और बाकी देख लेंगे जो भी होगा तो अभी बाहर चलते हैं पर देखते हैं भाई बाहर का क्या माहौल है गाइस भाई आज का तो ऐसा माहौल है 4:30 बज चुके भाई एक सेकेंड के लिए भी धूप नहीं आई आज पूरे दिन फोग सा हो रखा पूरे में धुंधला सा मतलब ये पोल्यूशन सा कुछ भी लगा लो भाई फोग सा जो भी है तो ये सब हो रखा है पहले ये बरगद का पेड़ दिखता था अब ये भी नहीं दिखता यहाँ A few moments later. प्लान एक्सीक्यूट कर दिया है और आज देख रहे हो भाई सिस्टम अंतरालियों को देख लो भाई मजनू ऑलवेज मजनू क्या पता ही है अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या बाकी हेलमेट लगा रखे हैं यार आवाज कम आ रही होगी मेरी प्लान एग्जीक्यूट कर दिया हमने हाँ एग्जीक्यूट ऐसे नहीं हुआ इसकी मोटर ऐसी ठा के लेके आयो घर से उठा है कौन था वैसे तो मैं फोन इसकी इग्नोर ही कर रहा था इग्नोर कुछ नहीं साइलेंट करके सो गया अरे इस दिन लग गया घर को नहीं आवा आज बेटे घर आए पहुंच लिया यार घर पर पहुंच गया भाई उठाने और एक बंदा हमारा वेट कर रहा है आगे एक बंदा कौन है अमित 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 सनीवाल ज्ञान केंद्र दिखाएंगे तुम्हें जिंदल टावर 8 मंजिल का टावर है भाई 8 लगे
हेलो गाइस, ये हमारा तीसरा बंदा आ चुका है, दूसरा आशिक फोन पे लगे लगे अच्छा नहीं ले ली आज 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 नहीं कर पहला दूसरा तीसरा वो तो वो है उसकी नागड़ियों पूरी फिर ले रहे हैं हम तो ले भाई कड़िया आ गया और कड़े क्या ले दोनों कड़े तीनों कड़े भाई ट्विनिंग होता अपनी वर्ग नहीं तो हुए ना भाई तो हमने आज यो दिखावा गे मैं पैर आई से कड़े कड़े अरे लोग तो कर दिया एंडर लोग ना है इसका यू क्या हो गया यू क्या हो गया होगी भाई होगी अरे यो तो खोले इसका यो हेलमेट इसमें दर देंगे सोनू यार पर लग रहा है मैं लोग कर रही हूं ना सिस्टम पार देंगे अनपढ़ आदमी सिस्टम पार देंगे स्कूटी खोलनी ओखी हो रही है ओ भाई शीशा बंद कर यार सारे लट्ठे इतने मेरे को नहीं पता बंद कर दे तू हो रही है गाइस मैं कैसा लग रहा हूं बता देना मैं इसके में मुंडा का दीवाना सिस्टम पार देंगे ऊपर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि 6 बजे का पता चला था मेरे को लगा 6 बजे तक होगा हम 6:45 बजे पहुंचे पांच बजे आने का स्थिति हो 5:15 बजे लगे तो उठा को नहीं शेर फिर थी पहले गई थी मैं भाई पहले 3-5 खुला पाऊंगा उठाने का तो राव एक जना इधर थी गाइस भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम बड़ा काम हो गया हमारे साथ तो बंदर नाचता दिखाऊंगा गाइस आपने छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तू आई ना अब तो आ रहा सुबास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ भाई कैसे हो आप सेंटा भाई मुंह तो मुंह तो बिगाड़ दिया सेंटा का हाँ सही कर देना मुंह मुंह सही कर दो करिए सही करिए सोनू वो मैं तो डर लगा के देख तो अरे वो मतलब ये मास्क थोड़ा सा और हो रहा है भाई ये बार का नहीं करती हो यार पेट और सेंटा भाई क्या हाल है सेंटा भाई हमारा देसी लहसुन करी एक रिकॉर्ड देसी सेंटा मिल गया भाई मेरी क्रिसमस हो आगरा के हां हैप्पी क्रिसमस हो आगरा में मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस दोस्तों आवाज कम आ रही हो तुम्हें मेरी क्रिसमस बोल रहे भाई सेंटा भाई बोलेगा बोलेगा सेंटा पेट तो दिखा दो ओके भाई ओके बाय बाय सेंटा बाय बाय हैप्पी मैरी क्रिसमस गाइस भाई ये जिंदल की गाड़ियां है गाड़ियों का कलेक्शन देख रहे हो और ये ट्रैक्टर जिंदल का और नंबर चेक करो भाई इनके DHE 1921 HR 05 0004 हुंडई सोनाटा अमित की आवाज आ गई होगी तुम्हें और मर्सिडीज HYR 2 मतलब 0002 गाड़ी का नंबर है भाई 0002 ठीक है और उस गाड़ी का देख लिया होगा तुमने 1921 में खरीदी होगी वो गाड़ी तो इस पहले क्या होता था जो नंबर आप मांगते थे ना सरकार से जिससे गवर्नमेंट से वो नंबर आपको अलाउट हो जाता था ये भी मतलब भाई एक मारा बाड़क भी खू रहा है जामी तो चढ़ जा ऊपर वाओ ब्यूटीफुल बाड़क काचे काट रहे हैं आप तो रसे से बाहर आओ भाई अमित जा ऊपर टिकट लेंगे तेरी सुनो तो अमित अब यहाँ पे तुम्हें बच्चों के लिए भी झूले वगैरह जो भी भाई अपनी फैमिली के साथ आना चाहता है आते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है बड़ों के लिए बस एक टावर है उस पे से तुम हिसार देख सकते हो वो भी बिल्डिंगों के पीछे से छुप चुका हिसार पहले पता है क्या कब क्यों बनाया था इसको जिंदल ने क्योंकि ना यहाँ से 4 गेट है भाई हिसार के चारों गेट दिखते थे नगोरी गेट तलाकी गेट और कौन सा गेट है दो अभी तो कौन से गेट है मेरा ना भाई कौन से गेट है भाई 4 गेट है राजगुरु मार्केट गेट है वाओ ब्यूटीफुल गाइस भाई टाइम हो चुका है इसके बंद होने का नो स्मोकिंग एरिया भाई यह बात ध्यान रखिए
अरे ये टाइमिंग है जिसको देखना, देख लो भाई टावर पास टाइमिंग 3 से 5:30 और मंडे को क्लोज रहता है, बस कल खुला रहेगा भाई, संडे को खुला रहता है। हम ज्ञान के अंदर जाके वापस आ चुके हैं क्योंकि ना भाई वो बंद था, इस वजह से ज़्यादा देर रुके नहीं उधर। और ये सोनू, जैसे अगर तुम्हें पता ही है, टूचू टूचू, अरे ये टूचू है हमारा छोटा बच्चा। हेलो भाई, रोम रोम भाइयो, हेलो, ओ आज तो राम बरसोगा। सोनू हेलो गाइस निकल गया भाई का मुंह से, भाई छोरा बर्गर खा रहा है। बर्गर खा रहे है, खा तो रहा है पर कोस के खाया है। लड़ाई हो गई, मारो भाई मारो, देखेंगे देखेंगे सिस्टम पार देंगे। जैसे ऊपर नहीं जा पाए हम भाई, ज्ञान के अंदर ऊपर बंद था, 5:30 बजे बंद होता है ज्ञान के अंदर सर्दियों में। बाकी देख के आए, मजा आया भाई, देख के आए, मतलब ना एक था कि ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके बढ़िया मजा आता, ऊपर जाके पूरा हिसार दिखता, सुकून भी अच्छा था, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। तो कब टाइम मिलता है, टाइम मिलेगा तो भाई फिर कभी चले जाएंगे, बाकी मंडे को बंद रहता है। वो ठाले तो साए, ठाली तो तू पहले थे तेरा, बंद करो ना फिर, बंद तो तेना सीखनी पड़ेगी, क्लास देऊंगा तेरे ती, होगी होगी पहली बार में होगी बंद। फाइनली बैक टू होम, अगर भाई अगर हो पाया तो फिर कभी तुम्हें ऊपर से भी दिखाऊंगा यार टावर, क्योंकि ऊपर से यार ऊपर कर जाते ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, पर नहीं हो पाया, सॉरी यार मैं लेट हो गया, कोशिश तो थी कि भाई जल्दी चला जाऊँ और दिखाता तुम्हें अच्छे से, बट नहीं हो पाया, सॉरी सॉरी गाइस। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और हम जिंदल टावर पे पहुंचे तो भाई लेट हो गए थे, तो इस वजह से भाई वो बंद हो गया था, 3 से 5:30 बजे का टाइमिंग है भाई अभी सर्दियों में, गर्मियों में शायद 4 से 7 होती है, ऐसे होती है। तो भाई दिन छोटे और रात जल्दी हो जाती है, दिन बड़े हो रहे हैं ऐसे, मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे तो समझ नहीं आता ये सब, तो इस वजह से भाई जल्दी क्लोज हो जाता है, तो लेट हो गए थे भाई। अगर नेक्स्ट टाइम हो पाया तो तुम्हें ऊपर से और टूर करवाऊंगा भाई, ऊपर से ना पूरा हिसार दिखता है भाई, तुम्हें दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई, सब सो रहे हैं मैं इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, तो ओके बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।